दोस्तों स्वागत है आप सबको मेरे चैनल का और एक वीडियो में। दोस्तों अभी जो एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकला है, जो कि आपका कम्बाइंड जियो साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन 2019 का नोटिफिकेशन है। लास्ट डेट है 16 अप्रैल 2019। अप्लाई करना है इसको ऑनलाइन में, इसका वेबसाइट है www.epsaonline.nac.in। और अप्लाई करने के लिए आपका जो फोटो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, सिग्नेचर, ये सब यहाँ पे आपको चाहिए। लास्ट डेट है ये इसका 16 अप्रैल 2019। बाकी एग्जामिनेशन का जो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दे दिया है, एग्जामिनेशन सेंटर जो है यहाँ पे आपका अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, दिल्ली, हैदराबाद, जाजपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, प्रयागराज, शिलोंग, शिमला और तिरुवनंतपुरम में यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है, जो कि फास्ट अप्लाई फास्ट अलर्ट बेसिस में होगा। नंबर पोस्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो जियोलॉजिस्ट ग्रुप ए में 50 पोस्ट है, जियो फिजिक्स्ट ग्रुप ए में 14 पोस्ट है, केमिस्ट में आपका 15 पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यही है। इसके अलावा दोस्तों जो जूनियर हाइड्रोलॉजिस्ट बोल के एक पोस्ट है, जो ग्रुप ए में, यहाँ पे आपका 27 पोस्ट मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों उधर टर्म्स एंड कंडीशन जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे है, यहाँ पे दे दिया है। एज लिमिट का अगर बात करते हैं तो जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स, मैक्सिमम 32 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद यहाँ पे जो आपका जूनियर हाइड्रोलॉजिस्ट पोस्ट है ग्रुप बी में, साइंटिस्ट बी में, ग्रुप ए में जो है, यहाँ पे जो एज लिमिट है 35 ईयर्स तक मैक्सिमम जो रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो एज रिलेक्शन है, SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, यहाँ पे भी आपको रिलेक्शन जो एज का है मिल रहा है। इसके अलावा उधर टर्म्स एंड कंडीशन दे दिया है, जैसे आपको क्या क्या जो जो उसका PWD कैंडिडेट के लिए, या फिर आप एक्स मिलिट्री सर्विस में हैं तो इसका क्या रिलेशन है, आप डिटेल में थोड़ा देख लीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का अगर बात करेंगे तो जियोलॉजिस्ट जो ग्रुप ए में है, यहाँ पे बोला है मास्टर डिग्री इन जियोलॉजिकल साइंस और जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, जियो एक्सप्लोरेशन, इसमें आपका चाहिए मास्टर डिग्री। जियो फिजिसिस्ट जो पोस्ट है ग्रुप ए में, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से, यहाँ पे MSc इन फिजिक्स बोला है और अप्लाइड फिजिक्स, MSc जियो फिजिक्स में अगर किए हैं या फिर इंटीग्रेटेड MSc किए हैं जियो फिजिक्स में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट ग्रुप ए में जो है MSc केमिस्ट्री बोला है और अप्लाइड केमिस्ट्री अगर किए हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यही है। जूनियर जो हाइड्रो जियोलॉजिस्ट का पोस्ट है, यहाँ पे मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी बोला है, या फिर मेरिन जियोलॉजी भी अगर किए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फीस का बात करेंगे तो फीस 200 रुपीज़ है, बाकी जॉब की डिग्री के लिए कुछ फीस नहीं है। फीस आपको पेमेंट करना है ऑनलाइन में, और याद रखिए इसका लास्ट डेट है 16 अप्रैल 2019। अप्लाई करना है ऑनलाइन में upsaonline.nac.in में, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप अप्लाई करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए। और बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे डिटेल में दे दिया है, एग्जामिनेशन का प्रोसीजर, और आपको सिलेबस भी एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।